लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नहीं शामिल होने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने 55 वर्षों तक देश पर अलोकतांत्रिक तरीके से राज किया है। कांग्रेसी जानते हैं कि वे हारने वाले हैं, इसलिए वे एग्जिट पोल से बच रहे हैं। लोकसभा चुनाव के टीवी एग्जिट पोल पर कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं बैठेंगे, इसको लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस जिसने 55 वर्षों तक देश पर अलोकतांत्रिक तरीके से राज किया, लोकतंत्र की हत्या की, इमरजेंसी लगाई। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी सरकार जब काम करती है तो संविधान और कानून के दायरे में करती है। आपका कोई भी प्रवक्ता एग्जिट पोल में नहीं जाएगा, ये केवल बहाना है। कांग्रेस जानती है कि उसकी हार तय है। ये एक तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस जिसने 55 वर्षों तक देश पर राज किया, और अगर मैं ये कहूं कि आप जब 55 वर्षों तक राज कर रहे थे तो अलोकतंत्र कर रहे थे क्या? हालांकि आपने लोकतंत्र की हत्या की, आपने इमरजेंसी लगाई, आपने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी सरकार या कोई भी सिस्टम काम करता है तो वो संविधान कानून के दायरे में करता है, और कानून से कोई हटके जाता है तो समाज उसका जवाब देता है। लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इतना अविश्वास कि हमारे प्रवक्ता मीडिया के डिस्कशन में नहीं जाएंगे, यानी इसका अर्थ है कि आपने ये आक्रमण लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किया कांग्रेस ने। भाई मीडिया कोई बायस दे क्या? भाई ओपिनियन है, कभी सही होता है, कभी गलत होता है, कभी 100% एक्यूरेट होता है, कभी 80% होगा, कभी 50% होता है, तो इससे आपको एलर्जी क्यों है? ये केवल बहाना है कि जो हार हमारी हो रही है, जनता ने हमें नकार दिया है, तो इसलिए कांग्रेस आज इन सारे बहानों को ढूंढ रही है कि कैसे अपने आप को बचाया जाए। अरे मैदान में आओ ना, जीत और हार तो रहती है। हम तो वो दल हैं जो केवल दो लोग थे संसद में, तब मजाक उड़ाते थे, तब अटल जी ने कहा था आप मजाक उड़ाओ, समय बदलेगा, हम यहां पर हैं, आप वहां पर होंगे, और आज हो रहा है देश के अंदर। तो इसीलिए कांग्रेस आज हार के डर के कारण बहाने ढूंढ रही है और इस प्रकार के चीजें करने का प्रयास कर रही है, जिससे हम अपने आप को ये बताएं हम बहिष्कार करते हैं। काय का बहिष्कार कर रहे हो भाई? ओपिनियन आ रहा है, जवाब दो आप। आपको लगता है कि आपकी सरकार बन रही है तो बोलिए ना कि आपकी सरकार बन रही है, देखते हैं 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सरकार किसकी बन रही है। तो इसलिए डर है कांग्रेस को, ये भय सता रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।